First time it was known, not only to me, probably his family might be knowing, but they were not sharing it with. They had 6 acre mango farm. Aam ka baag tha 6 acre ka. Maine us waqt poocha wahan gaon se ki kya kimat hogi is baag ki aajkal. To unhone bataya ki us waqt uski approximate market price jo hai 1 crore rupaye the. So unka ghar bhi chhota, bahut bada ghar tha. Aaj bhi wo ghar aapko net pe pura mil jata hai. Abhi purani shape mein hi mil jata hai. वही बेरी भी है उस घर में, वही पुराना चूल्हा भी है कच्चा, अभी भी वो उन्होंने ख़त्म नहीं किया, बस एक दो कमरे पक्के कर दिए हैं बाहर वाले. इट वॉज अलॉटेड टू वन एडवोकेट इकबाल और समथिंग जो लायलपुर में प्रैक्टिस करते थे. एनीवे, तो खैर वो उन्होंने कहा कि जब मेरे दादा ने ये कह दिया था कि मैं देश के लिए समर्पित हो चुका हूँ, तो देन ये जो आप शादी का ख्याल कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर, तो इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो आई विल नॉट रिटर्न. तो कानपुर चले गए. दिस इज़ द टाइम मैंने व्हेन ही ऑलरेडी हैड यू नो ग्रोन ए क्वाइट अ बिट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो उसको जिसको कहते हैं ना हम पंजाबी में घुट्टी में मिली थी, क्योंकि वो जिस घर में पैदा हुए थे उस घर में इतने मैगजीन आते थे. और 1910 में जब वो 3 साल का था भगत सिंह, उसके चाचा स्वर्ण सिंह द थर्ड अंकल, he died because of jail tortures, because he contacted you know tuberculosis in jail, and he died at the age of 23, at the age of Bhagat Singh. The age of Bhagat Singh 23 saal ki umar mein gaye, to wo bhi 23 saal ki umar mein TB se chale gaye. Aur ghar mein maine 1907 mein inka janm hota hai, aur 1907 mein hi there was a huge movement in Punjab that is called pagdi sambhal jatta. जो हालत आज 2007 से 18 के बीच आप देख रहे हैं, या 2000 से 2018 के बीच रहे, सिमिलर कंडीशन एग्जिस्टेड इन दोज डेज, दैट पेजेंट्री वाज इन डेट. और एमएल डार्लिंग की किताब आज तक क्लासिक किताब है, उस वक्त भी क्लासिक थी, आज भी क्लासिक है, द पंजाब पेजेंट्री इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेट. सिर्फ फर्क इतना है कि 1907 में peasants were not committing suicides, and 2007 में लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्याएँ कर चुके थे, और 2018 तक आते आते there are more than 3 lakh peasants who have committed suicides because of debt. And you know, every day you take Tribune, you take Punjabi Tribune, you take any other paper of Punjab, there will be news of minimum 3 to 4 peasants committing suicide every day because of debt. And then Pagdi Sambhal Jatta movement, Lala Lajpat Rai and Ajit Singh, which you know referring to, they called for this movement Pagdi Sambhal Jatta, they organized peasants and resistance. Then one police inspector, Lala Banke Dayal, you know, wrote this song, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालोए, लुट गया माल तेरा लुट गया माल होए, विच इज पॉपुलर इवन टूडे. दैट लाला बंके दयाल वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पुलिस जॉब एंड वॉज गिवन 2 ईयर सेंटेंस फॉर राइटिंग दिस सॉन्ग. सो दिस सॉन्ग इज ऑल्सो 1901 इज भगत सिंह बर्थ, 1907 इज भगत सिंह बर्थ, 1907 इज पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ दिस सॉन्ग एंड द एग्जाइल ऑफ लाला लाजपत राय एंड यू नो अजीत सिंह टू मांडले जेल. खैर, तो उस वक्त फिर घर वाले टिक गए, उन्होंने कहा, मैंने 3 साल की उम्र में चाचा मर गए, और जब 12 साल के हुए व्हेन ही वाज जस्ट 12, तो ये 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग कांड हुआ. वी आर हैविंग इट्स सेंटिनरी दिस वेरी ईयर, तो अगले साल उसकी सेंटिनरी हो रही है. तो ही हैज़ गॉन टू अमृतसर, लाहौर और अमृतसर में. अब आप लोग पोस्ट पार्टीशन के लोग हो ना, कुछ लोग हमारे प्री पार्टीशन वाले हैं, जैसे बैठे हैं कोहली साहब और भी कई सारे हमारे दोस्त होंगे, तो वो उनकी कल्पना और आपकी कल्पना में बहुत फ़र्क है. आपके लिए लाहौर पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन हमारे पुराने लोगों की कल्पना में लाहौर और अमृतसर ऐसे ही थे जैसे JNU और DU, तो फासला भी इससे ज़्यादा नहीं था.
मैंने इतना ही फासला था कि वह हमको ढेला मारो तो लाहौर गिरता था और वो अमृतसर गिरता था. तो हम अब भी कहते हैं कि ये मैंने हमारे दुश्मन हुक्कामों ने, दोनों तरफ के दुश्मन हुक्कामों ने, जनता के दुश्मन हुक्कामों में अगर ये सब ना किया होता तो सारे लाहौरिये सुबह आते और अमृतसर की लस्सी का इतना बड़ा गिलास पी के लाहौर जाते और सारे अमृतसरिये रात को फूड स्ट्रीट जाते ग्वाल मंडी चौक में और जम के बकरे खाते. तो अपना ये सारा माहौल जो है वो हमारे, लेकिन आज की पीढ़ी को शायद ये कल्पना नहीं हो सकती. खैर